हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ब्रेनरी। ये फोर्थ एपिसोड है एमसीए ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि कंपनी को कैसे स्टेप बाय स्टेप इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बट प्लीज़, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्टेप है टू लॉग इन ऑन एमसीए साइट। ओके, वैसे ही ज़रूरी नहीं है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट इसमें कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो कि लॉक्ड हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड यूज़र के लिए ही ओपन होती हैं, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप्स टू चेक द कंपनीज नेम। अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो उसके नाम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ रिजेम्बलेंस तो नहीं है उसके कोई। तो देखिए, जैसे आप ये फर्स्ट टू लाइन्स में भी यही लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 एंड 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल 8 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, अगर ऐसा कुछ है और वो प्रोहिबिट कर रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है तो वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से रिजेम्बल नहीं करनी चाहिए। एंड सेकेंडरी, कि आपका जो जो कंपनी का नेम है उसमें कोई स्टैट्यूटरी वर्ड नहीं आना चाहिए। इसकी जो इंस्ट्रक्शन किट है कि कैसे कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ यहाँ पे क्रैकर स्पाइस करके मैंने सर्च करना है नाम कि कहीं वो रिजेम्बलेंस तो नहीं है किसी से, तो मैं सर्च करती हूँ तो मेरे पास आता है कि नहीं, ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो मेरा हो गया, बट उसके साथ हमारे पास एक ट्रेडमार्क आता है और डोमेन आता है जो कि हमें चेक करना है इसके साथ कि कहीं रिजेम्बलेंस तो नहीं है। दिस वेबसाइट इज मेंटेन बाय द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, बट फॉर दी ब्रीफ इंट्रो कि आप कैसे आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ कंपनी का नेम डालोगे और क्लास वगैरह आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सर्विस है या प्रोडक्ट है वो किस क्लास में जाता है। फिर गुड डिस्क्रिप्शन एंड सर्च, उसके बाद अगर कोई रिजेम्बलेंस होगी तो वो आपको नोटिफाई कर देगा, अदरवाइज आप बना सकते हो। थर्ड जो है आपका डोमेन, कहीं उस नाम से रिलेटेड कोई डोमेन तो नहीं है, वो भी आपको चेक करना है। इसकी भी वेबसाइट मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे आप अपना डोमेन का नाम डालोगे, सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर मैंने जैसे आपको क्रैकर स्पाइस बोला था तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया है कि सॉरी, क्रैकर स्पाइस डॉट इन इज नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो नाम है वो आप नहीं ले सकते हो। तो आप अब अगर मैं इस टॉपिक को समराइज करूँ, इस पॉइंट को समराइज करूँ, तो आपको पहले नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको रेगुलेशंस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सेकंड, आप चेक करोगे नेम, फिर ट्रेडमार्क एंड देन डोमेन। देन वी मूव टू द सेकंड स्टेप, दैट इज रन रिजर्व यूनिक नेम। ये इसका विंडो है रिजर्व यूनिक नेम का। इसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, अगर आपकी स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट है, लाइक आपकी पहले कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है, आप नाम वो कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अप्रूवल के लिए नाम डाल रहे हो, तो न्यू रिक्वेस्ट, और अगर वो आपका रिजेक्ट हो गया है तो रिसबमिशन, ठीक है। अब रिसबमिशन में जो SRN है, मतलब सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, जो आपका ऑलरेडी पहले था और आपने आपका जो रिजेक्शन हो गया, तो वहाँ से आपको MCA की साइट से एक SRN नंबर मिलेगा, वो आप यहाँ डालोगे, वो प्रीफिल हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट। लेकिन हमें अभी सीखना है न्यू रिक्वेस्ट के बारे में। तो न्यू रिक्वेस्ट में आप करोगे सिन इन द केस अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो, बट यहाँ तो आप न्यूली इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आप ये छोड़ दोगे। फिर प्रपोज नेम 1, प्रपोज नेम 2 ऑटो चेक करोगे और ये आपका रन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर
आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस में जाकर, रन सर्विस में या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप जाकर यहाँ सर्च कर सकते हो कि क्या नाम लेते हुए हमें ध्यान रखना है और क्या हमें ध्यान नहीं रखना है। फिर थर्ड स्टेप आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपने पहले चेक कर लिया नेम, आपने रन में रिजर्व करा दिया नेम, अब आपका आता है स्पाइस। ठीक है, स्पाइस के लिए आप देखिए आपको लॉगिन करनी पड़ेंगी। ये सब चीजें मैंने पहले करके रखी हुई है। ये आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इसमें स्पाइस फॉर्म में क्या होता है ना कि आपके टू पार्ट्स होते हैं, एक वन एंड टू। सबसे पहले नेम रिजर्वेशन के लिए आप टाइप ऑफ कंपनी चूज करोगे। टाइप ऑफ कंपनी में आपको पता है प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, IFSC कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, न्यू कंपनी मतलब अदर्स, पार्ट वन सेक्शन 8 कंपनी, पार्ट वन LLP टू द कंपनी और देसी है अगर आपकी कन्वर्जन है तो। फिर आपकी जब एक बार टाइप ऑफ कंपनी सिलेक्ट हो गई तो क्लास ऑफ कंपनी कौन सी है, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी और द केस में भी। फिर कैटेगरी, कैटेगरी में आपका क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। फिर आपका सब कैटेगरी हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, डिवीजन वगैरह का, और ये आपका हो गया। आप ऑटो चेक करोगे, सेव करोगे, सबमिट कर दोगे। इसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो स्पाइस फॉर्म है। अच्छा, आप अगर एक चीज नोट करोगे तो आपने लिखा स्पाइस के आगे प्लस लिखा होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आप देखोगे कि स्पाइस के आगे प्लस लिखा हुआ है। प्लस क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो फॉर्म्स हैं उसमें दो फॉर्म्स और आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट है स्पाइस, आपका फर्स्ट है स्पाइस फॉर्म। ये क्या होता है, पर्सुएंट टू सेक्शन 478 सबसेक्शन 112, 152, 153, क्योंकि इसमें आपकी डेन भी है, आपका टेन भी है, पेन भी है और नाम के लिए भी है, सब कुछ है इसमें इंक्लूडेड है। 5-in-1 फॉर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर सबसे पहले वेदर नेम इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय रजिस्टर ऑफ कंपनी, येस और नो, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता दोगे। फिर स्टेट द टाइप ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी किस टाइप की है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, वो रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए था जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट दी क्लास ऑफ कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनी, स्टेट दी कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी ऑफ कंपनी, IFSC, कैपिटल वगैरह वगैरह, ये आपकी सारी कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। कॉरस्पॉन्डेंस, एड्रेस क्या है, ये सब, ये आपका सारा यहाँ पे आ जाएगा। नेम ऑफ दी सब फर्स्ट सब्सक्राइबर, जैसे आप MOA में भरते थे वही सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, A to Z। इसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी पेड, आपको पता होगा कि स्टैम्प ड्यूटी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, तो जिस कंपनी में, सॉरी, जिस स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होने वाली है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टैम्प ड्यूटी जाएगी। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अप्लाइंग परमानेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन, तो पैन और टेन आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये स्पाइस फॉर्म में इंक्लूडेड होता है। ये सारी इन्वेस्टमेंट आप किस में कैसे करने वाले हो, किस एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। फिर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर, ये सारी आपकी अटैचमेंट यहाँ पे जाएगी। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, जैसे कि आपको पता होगा कि INC 33 दैट इज EMOA एंड E34, INC E34 वो होता है आपका EAOA। तो अगर उससे, जैसे आप पब्लिक कंपनी कर रहे हो, पब्लिक कंपनी में आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो 7 से ज्यादा होंगे, तो इसमें आप सिर्फ तब दोगे जब आपका उससे ज्यादा है मेंबर्स। ठीक है, और आप उस फॉर्म को इसमें अटैच करोगे, फिर आप डिक्लेरेशन दोगे, डिक्लेरेशन के बाद सारी टिक टिक कर दोगे, फिर सर्टिफिकेशन बाय प्रोफेशनल, ऑब्वियसली CS, CA होल टाइम प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम प्रैक्टिस और एडवोकेट, कोई भी आपको ही सर्टिफाई
कर सकता है, चेक फॉर्म करोगे और फिर आपका ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। ये स्पाइस फॉर्म है। इसके बाद जो आपका फॉर्म आता है वो आता है आपका स्पाइस एमओए। स्पाइस एमओए क्या है? एमओए लैंग्वेज एसएलएन ऑफ रन जो भी है ये इसके साथ जाता है। ये आपका क्या है? IN-C 33 जो मैंने अभी आपको बताया, ये ई फॉर्म है। ये भी इसी के साथ जाएगा जिसमें कि आप सारी कंपनीज के एमओ क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब आप इसमें फिल करोगे। ठीक है, और इसमें फिर सब्सक्राइबर डिटेल्स इसमें भी जाएगी, सब जाएगी, और फिर आप इसको उसमें अटैच कर दोगे। ये आपकी कंप्लीटेड है। ऐसे ही आपका AOA फॉर्म जाएगा। ये आपका AOA फॉर्म है, इसमें भी आप सारी चीज़ें ऐसी करोगे, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन, कॉल ऑन शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये सारी डिटेल्स जाएंगी। और फिर एट द एंड आप इसको भी DSC सबके लगा के, जो भी आपके सब्सक्राइबर डिटेल्स हैं सबके इंडिविजुअल DSC जाएंगे। और DSC कैसे जाते हैं मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। चेक फॉर्म करके आप इसको भी सबमिट कर दोगे। तो ये सब आपका था। ठीक है, अब हम अपनी MCA के साइट पर आते हैं दोबारा, और हम इसमें लास्ट चीज करते थे कि अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ कि अब हमने क्या क्या कवर किया। फर्स्ट चेक कंपनी नेम हमने किया अलॉन्ग विद व्हाट, ट्रेडमार्क एंड डोमेन। फिर हमने स्पाइस फॉर्म खोला, उसमें हमने सारी चीज़ें देखी, फिर रन पे गए और फिर हमने सब कुछ देखा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एक आपने सुना होगा टर्म एजाइल फॉर्म, ये आपकी एजाइल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका जो पूरा नाम होता है ये होता है IN-C 35 में, और इसका होता है एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं एजाइल प्रो। ठीक है, अब ये कौन अप्लाई कर सकता है? एनी यूजर हु इंटेंड्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी थ्रू स्पाइस प्लस ई फॉर्म हैविंग रजिस्टर्ड एड्रेस कैन नाउ ऑल्सो अप्लाई फॉर GST थ्रू दिस ई फॉर्म। इस ई फॉर्म के साथ क्या होगा ना, आप GSTN भी साथ में फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इट इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इट इज मैंडेटरी, दो इट इज ऑप्शनल टू अप्लाई फॉर GSTN, अप्लाइंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट कोड एज इशूड बाय दिस एम्प्लॉयर कोड वगैरह वगैरह। तो ये आपका एक तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो तो आप करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इस फॉर्म को साइन करेगा कौन? डायरेक्टर, द डायरेक्टर हुआ साइन द स्पाइसी फॉर्म शुड साइन द एजाइल प्रो फॉर्म, बोथ स्पाइस प्लस फॉर्म एंड एजाइल प्रो फॉर्म शेल बी साइन बाय द सेम डायरेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, शेल बी साइन बाय द सेम डायरेक्टर, मतलब दोनों एक ही डायरेक्टर को साइन करने होंगे। विच ऑल सर्विसेज कैन बी अप्लाइड थ्रू एजाइल प्रो फॉर्म, User can apply for GSTN establishment code issued by this employer code and this the services through Agile Pro Form. So ये आपकी सारी requirement हैं जो important हो सकती हैं। अब आपको इसमें एक चीज और मैं बता दूँ, बस incorporation। Incorporation वैसे तो मैंने आपका step by step कर लिया। How can I register by an Indian company? तो मैंने आपको सारा बताया, इनकॉर्पोरेटिंग थ्रू सिंप्लीफाइड परफॉर्मा एंड दिस एमओए एओए इज अ डिफॉल्ट ऑप्शन, मोस्ट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेट थ्रू स्पाइस ओनली। उसके बाद आपका लास्ट जो रह जाता है वो ये रह जाता है कि जब आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दोगे ना, लाइक आपने स्पाइस फॉर्म भर दिया, तो वहाँ से आपका नोटिफिकेशन आएगा। और एक दिन में, क्योंकि जो सिन है वो आपको एक दिन में डिलीवर हो सकता है, तो अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और जितने भी आपके ई फॉर्म्स हैं सब कुछ अगर आपकी सही है, तो आपका इन वन डे, विद इन वन डे यू कैन गेट योर सिन नंबर, ओके, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर।
So this is all from my side. Thank you for listening. Please go and follow on my on Instagram Legal Brainery for legal updates, frequent legal updates. और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू नोट्स, रिलेटेड टू एनीथिंग, मैं आपकी वो क्वेरी लूँगी ऑब्वियसली. आप मुझे DM कर सकते हो वहाँ पर. और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड चैनल इफ़ यू रियली लाइक इट एंड शेयर ऑल्सो.